हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम में क्या खास है, आज देखते हैं कि क्या खास है। ठीक है, देखिए टैली प्राइम के अंदर ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो तो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। लेकिन आप हैं सूरज सर के साथ, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल का नाम है जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं बिगिनर्स से लेकर और सभी लोगों के लिए ये चीजें बताऊंगा। ठीक है, टैली प्राइम जब आप ओपन करते हैं तो आप स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम कैसे कैसे बना सकते हैं आप, स्टॉक आइटम बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो स्टॉक आइटम आप तब बनाते हैं जबकि आप किसी भी वाउचर में एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जैसे परचेस वाउचर में आप जाते हैं तो यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया, यहाँ आए, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर आता है, नीचे आते हैं और यहाँ पे आता है परचेस का लेजर, तो ये परचेस का लेजर लगाया। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना है तो क्या करते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं, सीधी बात है। तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, ये टैली की मेन मेन्यू है, इसे टैली की मेन मेन्यू कहते हैं। और यहाँ पर रहते हुए ये क्रिएट ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर नीचे आइएगा तो ये स्टॉक आइटम मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ से आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। लेकिन सवाल थोड़ा टेढ़ा है आज का, क्या है सवाल कि कौन से ऐसे स्टॉक आइटम है जो आपने बना तो लिए हैं लेकिन कभी यूज ही नहीं किया है। ठीक है, बना तो लिया है जरूर लेकिन उसका यूज ही नहीं किया है, यानी ना उसे परचेज में की लिस्ट में भी नहीं डाला है और सेल्स के भी लिस्ट में नहीं डाला है। भाई परचेज करेंगे तभी तो सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टॉक आइटम मैं बना लेता हूँ कैश्यू के नाम से, काजू जिसे कहते हैं, किलो यहाँ पे कर दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया और ये बना लिया हमने, लेकिन अभी इसका यूज तो हमने किया नहीं है। तो हमें ये पता करना है कि कौन से स्टॉक आइटम को यूज नहीं किया। तो आप कहेंगे कि यहाँ से नीचे चले जाइए, स्टॉक समरी नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हम आएंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, जैसे ये दिख रहा है, तमाम चीजें दिख रही हैं और ये एंट्रीज भी आपको नजर आ जाती हैं, लेकिन वो स्टॉक आइटम आपको नजर नहीं आएंगे जो आपने यूज नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है कि पहले भी कोई स्टॉक आइटम ऐसा बनाया रहा हो जिसको आपने यूज ना किया हो, तो वो यूज ना किए जाने वाला स्टॉक आइटम कहां से दिखाई देगा, सवाल यही है। सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब, आप सीधा सीधा कहां आ जाइए, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर। ठीक है, तो यहां पर आकर के एंटर प्रेस कर दीजिए और फिर आपको कहां आना है, नीचे आना है। नीचे यहां पर देखिए ये दिया गया है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, तो इसके लिए आपको खाली कीबोर्ड से भी प्रेस कर देना है, तो भी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आएगा डाटा एनालिसिस, तो डाटा एनालिसिस पे जाके एंटर कर दीजिए। यहां पर नजर आएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स, इस पे चले जाइए और जाकर के एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है नॉट यूज्ड टू स्टॉक आइटम्स नॉट वेरीफाइड टू, यानी दो स्टॉक आइटम ऐसे हैं जो आपने यूज ही नहीं किए और वो दो ही स्टॉक आइटम है, कौन कौन से हैं, एंटर कर दीजिए। तो पहला कैश्यू जो मैंने अभी बनाया था और एक और है चेस्टनट, चेस्टनट नाम का एक स्टॉक आइटम है जिसे यूज नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप जो स्टॉक आइटम नहीं यूज हुए हैं उसको भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जो स्टॉक आइटम यूज हो गए हैं वो, तो यहां से एक बार एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आइए। नीचे लिखा हुआ यूज ओनली इन करेंट ईयर ये फोर स्टॉक आइटम्स नॉट वेरीफाइड, देखिए यहां पर एंटर करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑलमंड मिलेगा। ठीक है, ऑलमंड का यूज ऑलरेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बेसन का यूज हो चुका है, देसी घी का यूज हो चुका है, राइस का यूज हो चुका है, यानी ये वो स्टॉक आइटम है जिनका आपने यूज कर लिया है और ये वो स्टॉक आइटम है नॉट यूज वाले जिनका की यूज आपने नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।